अस्सलामुअलैकुम जी, आप देख रहे हैं क्रिकेट विद दानिश। आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। बड़ी लंबी बहस चल रही थी, बाबर कप्तान अच्छे हैं या नहीं है, रिजवान अच्छे कप्तान है, शाहीन अच्छे हैं, शान अच्छे हैं, लेकिन आज ही हम बात करने वाले हैं कि कौन अच्छा कप्तान है। और मेरी नजर में इस वक्त पाकिस्तान के पास जो बेहतरीन कप्तान है, इस वक्त जो बेहतरीन कप्तान है वो रिजवान है। और रिजवान ने ये प्रूव किया है, अदनान भाई हमारे साथ मौजूद है, अदनान में रिजवान ने प्रूव किया है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त रिजवान से बेहतर कप्तान नहीं है, ये बात मान ले यार आप। नहीं, ये बात अगर आप मुझसे पीएसएल से पहले कहते ना तो मैं बिल्कुल मान लेता, लेकिन पीएसएल देखने के बाद जो बाबर आजम में जो कमी थी, जो बेशी थी, वो सारी की सारी अब दूर होती हुई नजर आ रही है, इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। जो वर्ल्ड क्लास टैलेंट है उनका वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन एज अ कैप्टन उन्होंने दूसरों की सुनना शुरू कर दी है, कोच की सुनना शुरू कर दी है, मेंटोर्स की सुनना शुरू कर दी है। ये एक एस्पेक्ट जो वो लेके आए हैं ना, तो लगता है बाबर आजम की कप्तानी अब वो वन मैन शो नहीं होगी जब कभी भी उनको कौमी टीम की कप्तानी का मौका दिया जाएगा। अच्छा, लेकिन पेशावर की टीम तो वैसे हम देख रहे हैं कि काफी अच्छा करती भी आती रहती है ऑलरेडी यार, तो उनकी टीम मैनेजमेंट का भी तो इसमें हाथ है ना। अगर बाबर फॉर एग्जाम्पल अच्छे हैं तो टीम मैनेजमेंट किधर है? वो भी तो एक अरसे से परफॉर्म कर रही है डैनियल समी समेत। नहीं, वो बिल्कुल परफॉर्म कर रही है, लेकिन मतलब हर साल टाइटल जीतना तो किसी के भी नसीब में नहीं होता, तो पेशावर जलमी के भी नसीब में नहीं है, ना लाहौर कलंदर्स के नसीब में है। हम तो इंडिविजुअल्स की अगर बात करते हैं तो पेशावर जलमी को अगर एक मतलब ऐसा कप्तान मिला है जिसके पास इंटरनेशनल कैप्टेंसी का अब तजर्बा है, और हर आदमी जब नाकाम होता है या जब मतलब आप ये कह लीजिए कि उसके ऊपर से एतमाद लोगों का खत्म हो जाता है, तभी उसमें सीखने की जो है वो पैदा होती है एक अंदर से, और ये बाबर ने बहुत अच्छा शो किया है। मतलब ऑफ ऑल पीपल मैं अगर ये बात कर रहा हूँ कि पिछले 2-3 साल में मैं बहुत ज्यादा तनकीद करता रहा उनकी कप्तानी पे, लेकिन अब मुझे नजर आता है कि हाँ, बाबर में वो चीज है कि वो कैरी करके चल रहे हैं, और जो सरप्राइजिंग उनके चाले हैं वो नजर आने लगी हैं। अदनान भाई, बाबर तो खुद ये बात कर रहे हैं कि वो जो है मशवरे ले रहे हैं, रॉबिन पावल से वो बात करते हैं, उनके पास सीनियर जैसा प्लेयर मौजूद है, तो वो तो खुद ये बात कर रहा है। आप जो कप्तान की बात कर रहे हैं, वो तो बाबर खुद कह रहे हैं कि मैं दूसरों से मशवरे ले रहा हूँ, रिजवान तो ये नहीं कह रहे। रिजवान जब कप्तान बने तो उन्होंने 2021 में जीता, 2022 का फाइनल खेला, 2023 का फाइनल खेला। कंसिस्टेंसी है किसी कप्तान के पास रिजवान जैसी यहाँ पे? बिल्कुल, कंसिस्टेंसी के हवाले से रिजवान का मतलब नंबर आप उनको ज्यादा दे सकते हैं। बात अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं कि यार वर्ल्ड कप में कौन बेहतर कप्तान होगा, मेरे ख्याल में मतलब अभी तो पीएसएल जारी है, पीएसएल के रिजल्ट्स आगे आने वाले भी इसको मतलब डिफाइन कर देंगे कि क्या होता है, लेकिन बात यह है कि बाबर का अब सुनना जो है मुख्तलिफ एंगल्स को, और अगर बाबर कप्तान होते हैं, लेट्स से अगर बाबर कप्तान होते हैं तो यकीनन रिजवान की भी एडवाइस को वो सुनेंगे, अगर रिजवान किसी किस्म की एडवाइस उनको ऑफर करते हैं ग्राउंड में तो, क्योंकि रिजवान किसी से एडवाइस लेते नहीं हैं, और अगर देते हैं, अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट में उनको देख लें तो देते सिर्फ उस वक्त हैं जब उनको गलत रिव्यू लेना होता है विकेट कीपिंग करते हुए। अच्छा, एक और बात है, मुझे लग रहा है, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, मुझे लग रहा है बाबर आजम जो है ना वो पछता रहे। बाबर आजम क्यों पछता रहे? जब वो कप्तान थे ना तो बाबर आजम ने जो कप्तानी की अपने अपने क्लोज प्लेयर्स को खिलाते रहे जबरदस्ती, और उनको खिलाते रहे, नॉन परफॉर्मर थे उनको खिलाते रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबर ना रिग्रेट है, क्योंकि बाबर को भी नजर आ रहा है, बाबर के सामने वो प्लेयर एक्सपोज हो रहे हैं कि जो बाबर की जगह कप्तान बने, और भी दूसरे ऐसे प्लेयर्स हैं जो बाबर की जगह जो है वो मुख्तलिफ फ्रेंचाइज के साथ है। मुझे ऐसा लगता है बाबर आजम ना वो जो कप्तान थे उन्होंने अपनी उस कप्तानी से अपनी गलतियों को तो सीखा है, लेकिन अपनी दोस्ती यारी के जो इश्यूज थे ना उनको भी उन्होंने सीखा है, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, मोस्ट डेफिनेटली ये सीखा है उन्होंने, इसलिए कि जो जिन लोगों की वजह से उनके ऊपर दोस्ती यारी का इल्जाम था वही इस वक्त उनके मेन कंपेटिटर्स हैं, या उस वक्त कंपेटिटर्स थे नेशनल टीम की कैप्टेंसी के, वही आपका शाहीन शाह अफरीदी हैं जिन्होंने पिछले साल जनवरी में सोचना भी मना है का हैशटैग चलाया था, उसका स्टार्ट किया था उन्होंने या उनकी सोशल मीडिया टीम ने व्हाटसएवर, लेकिन वही शाहीन शाह अफरीदी जो है वो साल के आखिर तक खुद कप्तान बन गए थे। इसी तरह से शादाब हैं, इल्जाम ये था बाबर के ऊपर कि बुरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म होने के बावजूद शादाब को खिलाए चले जा रहे हैं, वो रिजवान को अपने साथ न्यू नेम इट यार एक लेते हैं। नहीं, वो तो है, देखिए नवाज और हसन अली तो टीम से स्क्वाड से ड्रॉप भी हो जाते हैं ना, रिजवान के साथ उनकी दोस्ती का पूरा टी20 वर्ल्ड कप खिला दिया था हसन अली को यार।
हाँ तो उसके बाद अगले वर्ल्ड कप में तो नहीं आए ना, जो दोस्ती यारी का इनके ऊपर लगता है वो लगता है कि ये रिजवान को ओपन करवाते रहते हैं जबकि स्ट्राइक रेट का प्रॉब्लम होता है, ये शादाब को ये ड्रॉप नहीं करते हैं। एक और बात भी है मुझे जो रिजवान का मैं फेवर कर रहा हूँ उसका एक वजह है कि रिजवान ने ना प्लेयर बना दिया है मुल्तान में। आप उस्मान को देख लें, यही उस्मान कोयटा के पास था, वहां पर उसने उसको एक मैच खिलाया कोयटा, तो एक मैच खिलाया कोयटा ने, कोयटा में भी बड़ा लंबा प्रोग्राम करेंगे एक दिन, दिल की बड़ी भड़ास निकालूंगा मैं। उस्मान जो है ना उसको एक मैच खिला उसने 50 किए पर उसके बाद बाहर हुआ वो। अब आप देख लें कि मुल्तान में पहले भी खेला उसने सेंचुरी की, याद होगा उस्मान के शायद 50 गेंदों पे आई थी, अभी भी उसकी 2 सेंचुरीज आ गई है, टॉप ऑर्डर में परफॉर्म कर रहा है। तो रिजवान को ना अब्बास की परफॉर्मेंस आप देख, मुझे लग रहा है रिजवान को ना प्लेयर्स बनाने भी आते हैं यार, जो टू बी ऑनेस्ट बाबर के पास बोलनी है। नहीं प्लेयर्स बनाने तो रिजवान को आते हैं, लेकिन शाहनवाज धानी भी मुल्तान से ही खेल रहे थे भाई, और शाहनवाज धानी अब नजर नहीं आ रहे, उसमें उनका अपना ज्यादा कसूर है। लेकिन वो इक्विलिब्रियम चलता है, जब वो पहले खिलाए है ना उसे शाहनवाज धानी को, लीडिंग विकेट टेकर भी तो रहा है, वो लीडिंग विकेट टेकर जरूर रहा है, लेकिन आगे जाके वो मतलब कहां उनकी संजीदगी गायब हो जाती है, उन खिलाड़ियों की संजीदगी पे भी काबू आना होगा। मेरा ख्याल है दो खिलाड़ी तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, बैटिंग लाइनअप में आप दो खिलाड़ी पिशावर जलमी के सल कह सकते हैं, हसीबुल्ला और साइम अयूब। मोहम्मद हारिस जो है उनकी हैसियत इस वक्त ऐसी है डोमेस्टिक सर्किट में एटलीस्ट कि उनको ड्रॉप करना बहुत बड़ा एक सवाल है कि क्या इनको परफॉर्म करके वो नहीं देते हैं कभी, शोहरत उनकी ऐसी है क्या जी, आसिफ अली की तरह ये मैच विनर है, तो वो सिवाय उनके वो मतलब रैंप शॉट के और कुछ मैंने उन्हें करते हुए देखा नहीं एक्स्ट्राऑर्डिनरी। बहरहाल हसीबुल्ला को डोमेस्टिक सर्किट से लाके, हसीबुल्ला पिछले साल से पीएसएल में मौजूद है लेकिन नजर नहीं आ रहे थे, हसीबुल्ला को अपना प्रेफर्ड चॉइस एज ए विकेट कीपर बैट्समैन बाबर ने बनाकर ये मतलब जो भी उनका है फैसला या मैनेजमेंट का है या कोच का है मैं नहीं कह सकता, ठीक है। इसी तरह से साइम अय्यूब के ऊपर मुसलसल ना सिर्फ ये एतमाद करना, उनको बॉलर के रूप में भी खिलाना, ये भी मतलब मैं कहूंगा कि बाबर ने बहुत जबरदस्त इसी तरह से खिलाड़ियों के ऊपर बाबर आजम ने दफा आउट ऑफ द बॉक्स फैसले लिए कि आप देखें बिल्कुल बाबर इस दफा आउट ऑफ द बॉक्स फैसले लेकर आए जो बाबर से उम्मीद नहीं थी। तो ये बात तो है कि बाबर ने एज अ कैप्टन बहुत इंप्रूव किया है बहुत इसमें। लेकिन जहां रिजवान की मैं बात कर रहा हूँ, एक और एक चीज जो है पॉइंट ये भी करना जरूरी है कि एंडी फ्लावर इस दफा नहीं है मुल्तान सुल्तान के पास, एंडी फ्लावर के बगैर ठीक है। पिछले आप गुज़श्ता सीजन की बात कर लें कि चलो 3 सीजन में उतने फाइनल खेला, ये 4th सीजन है, 3 सीजन फाइनल खेले, एक जीते, एंडी फ्लावर साथ था, अब तो एंडी फ्लावर भी साथ नहीं है लेकिन रिजवान परफॉर्म कर रहा है। मेरा ख्याल है बाय बॉन्ड जो है ना रिजवान कप्तान है, और रिजवान जो है वो मैं बात बता दूं अदान में T20 वर्ल्ड कप में आपका बेहतरीन कप्तान होगा पाकिस्तान के, बेहतरीन कप्तान रिजवान साबित हो सकते हैं, बट येट अगेन मैं कहूंगा कि कप्तानी की दौड़ में इस वक्त शामिल है ना सिर्फ बाबर आजम बल्कि इन दोनों से बाहर आकर अगर आप सोचें तो शादाब खान भी, मेरा ख्याल है क्योंकि शादाब खान भी परफॉर्मेंस किधर है यार। नहीं नहीं अपनी परफॉर्मेंस बिल्कुल वो वापस आ रही है, वो और शाहीन दोनों असल में इस चक्कर में है। आप शादाब को ऑलराउंडर कहेंगे, बॉलर कहेंगे, बैटर कहेंगे, क्या कहेंगे आप? शादाब खान को तो मैं कप्तान कहूंगा सिर्फ इस्लामाबाद यूनाइटेड का, इनमें से कोई चीज मैं नहीं कहूंगा कि वो है, लेकिन बात वही है कि शादाब एक अच्छी जो लीडरशिप है उसकी क्वालिटीज वो दिखा रहे हैं। इस वर्ल्ड कप में कप्तान वो नहीं बनते, ये तो कोई मतलब कहीं से दूर दूर तक इम्कान नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि शाहीन अफरीदी जो है उनको कंटिन्यू किया जाएगा। अल्टीमेट क्वेश्चन वही रहेगा बाबर या रिजवान, जो हमारा टॉपिक है इस डिबेट का। चले यहाँ टॉपिक खत्म करते हैं, अगला प्रोग्राम जो हम करने वाले ना टॉपिक मेरे जहन में आया वो आया जो हमें इस पीएसएल से प्रोडक्ट्स मिली है, जहादाद खान हमें मिला, हमने हसीबुल्ला का परफॉर्मेंस हमने देखी, साइम तो चलो पहले भी था, उस्मान पहले भी था, लेकिन इनको भी ले सकते हैं, इन पे बात करेंगे। ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है हमें पीएसएल से मिला है जो आगे चल के पाकिस्तान को सर्व कर सकता है, इस पे करते हैं नेक्स्ट वीडियो, ठीक है? अगर उसका बॉलिंग एक्शन मशकूक करार ना दे दिया जाए तो बात अगले हफ्ते करनी है, अगले शो में करनी है, बस चलो ठीक है, रोक कर रखें। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा। अल्लाह।